नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम आपके साथ नई रेसिपी शेयर करेंगे जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है लहसुनी ब्रेड वड़ा। रिजल्ट देख रहे हो दोस्तों, देखते ही आपके मुंह में पानी आ ही गया है दोस्तों। तो प्लीज आपने आखिरी तक वीडियो देखना है। वीडियो पसंद आने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो फिर ज्यादा बातें करते नहीं, वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक कुटन लेनी है। तो यहाँ पर हम लहसुनी वड़ा बना रहे, तो इसके पहले हमें मसाला रेडी करना है। तो इसके साथ हमने लिया हुआ है 10 या 11 लहसुन की कलियाँ लेनी है, बड़ी बड़ी। यदि छोटी होगी तो ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि लहसुन का वड़ा बनता है तो लहसुन की टेस्ट चाहिए ही। तो इसी के साथ हमने डालना है आधा इंच अदरक का टुकड़ा, मैंने छोटे कट कर लिए दो में। और यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, और इसी के साथ जाएगा 1.5 चम्मच काश्मीरी मिर्ची पाउडर, ये कम तीखी वाली होती है। यहाँ पे हमने लहसुन का ज़्यादा यूज़ किया तो उसमें ये बैलेंस अच्छी तरह से लगता है खाने में तीखा वड़े को। तो यहाँ पे मिर्च डाल देते पाउडर। और यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, जो हमारे घर में होता ही है। और इसी के साथ डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी के साथ जाएगा 1 चम्मच धना पाउडर, और यहाँ पर जाएगा स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी सामग्री को हमें अच्छी तरह से कूट लेना है। तो यहाँ पर हमने मसाले को अच्छी तरह से कूट लिया दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसे मिक्सर में हमें निकालना नहीं है। मिक्सर में निकालने जाओगे तो जैसे जैसे वैसे रिजल्ट आएगा नहीं मसाले में। तो आप जैसे मैं आपको लेके बता दूँ, इसकी टेस्ट बहुत बढ़िया आती है कूटने से, परफेक्ट। जैसे हमें चाहिए वैसे ये मसाला रेडी हो गया है, देख सकते हो। अभी करेंगे मेन प्रोसेस। यहाँ पर हमने 3 आलू लेने उबले हुए, इसके मैंने छिलके निकाले। देखो इसी तरह से अभी हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, आलू उबालते समय गरम गरम हमें मैश नहीं करना है। गरम गरम आलू मैश करने से क्या था, आलू में बहुत सारा पानी होता है, फिर जैसे चाहे वैसे वड़ा बनता नहीं। आलू उबाल लेना है, ठंडा होने के बाद छिलका निकालना है, फिर ऐसे मैश करना है। आप देख सकते हो आलू कितने ड्राई हो चुके हैं, थोड़ा भी हमारे हाथों में पानी नहीं है। तो तीनों आलू को हमें अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने तीनों आलू को मैश कर लिया हाथों से, आप देख सकते हो परफेक्ट। अभी यहाँ पर हमने कूटा हुआ था जो मसाला लहसुन का, वो डाल देते हैं पूरा ही। और इसी के साथ ही हमने डाल देना है नींबू का रस, चटपटा स्वाद आने के लिए 1/2 चम्मच डाल देना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये रेसिपी आपको कैसी लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अभी यहाँ पर जाएगा ढेर सारा धनिया। अब इन सारी सामग्री को आलू को मिक्स कर लेना है, इसी तरह से अच्छी तरह से कर लेना है, घुल जाने चाहिए आलू के साथ मसाले सारे। अभी यहाँ पर हमने सारी सामग्री का आलू के साथ मिक्स कर ली, हमारी ये स्टफिंग रेडी हो गई है, देख सकते हो परफेक्ट हो गई। जैसे हमें चाहिए वैसे रिजल्ट आ गया है। अभी करेंगे आगे की प्रोसेस। अभी यहाँ पर हमने छोटे छोटे बॉल्स रेडी करना है, इसी तरह से देख लो नींबू का साइज कैसे होता है वैसे ही हमें इसमें करना है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा भी नहीं, नींबू का साइज परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर ऐसे गोल गोल राउंड में हमें करना है, इसी तरह से देख रहे हो। और एक करके बता देते हम, तो यहाँ पर साइज ले लेते हैं। देखो आलू कितना परफेक्ट ड्राई हो चुका है, हमने ठंडा आलू होने के बाद ही मैश किया, तो आलू में थोड़ा भी पानी नहीं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने नींबू के साइज के छोटे छोटे बॉल सारे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे बड़े बना लिए, आप देख सकते हो। तो अभी करेंगे मेन प्रोसेस। अभी यहाँ पर हमने ब्रेड लेना है दोस्तों। यहाँ पर मैंने 10 ब्रेड लिए। हाँ दोस्तों, ब्रेड की साइज थोड़ी छोटी चाहिए, बड़ी वाली ब्रेड नहीं लेनी हमें। मैंने यहाँ पर छोटा साइज का ब्रेड लिया हुआ है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया, तो यहाँ के जो ब्रेड के जो किनारे वो हमें निकाल लेने हैं इसी तरह से, क्योंकि ये नहीं चाहिए आपको। जब खाना पसंद हो तो आप रख सकते हो, पर मेरे हिसाब से तो आप निकाल ही लेना है। फिर हम जो फ्राई करते हैं तो ये किनारे अच्छे नहीं लगते वड़े में। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया हुआ है, तो इसी तरह से सारे ब्रेड के किनारे हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने सारे ब्रेड के किनारे निकाल लिए। अभी यहाँ पर बाकी के सारे ब्रेड हम साइड में रख लेते हैं, वो दो रख देते हैं चॉपर पर। अभी यहाँ पे एक प्लेट में हमने पानी डाला है, और यहाँ पे हमने ब्रेड लेने, और इसे हल्का सा ही डीप करना है, ज़्यादा नहीं, और जो भी एक्स्ट्रा पानी वो निकाल लेनी है। इसे पानी के अंदर ब्रेड नहीं रखना है दोस्तों, पानी के अंदर ब्रेड रख लोगे फिर ब्रेड हमारा हाथों से निकल जाएगा, एकदम चिपचिपा हो जाए। और इसे एक ही बार ऐसे निकाल के तुरंत निचोड़ लेना है, देख रहे हो। मैं एकदम हो गया ये ब्रेड। अभी यहाँ पर हमने जो बॉल्स लिए थे बनाए थे वो ले लेना है, इसके ऊपर जो दूसरी स्लाइस हमें ब्रेड की वो डाल देना है, और इसे हमें एकदम अच्छी तरह से कवर कर लेना है इसी तरह से, लड्डू के जैसे करते जाएंगे। अभी आप देख सकते हो जो भी एक्स्ट्रा पानी है ब्रेड ने निकाल लिया हुआ है, और लड्डू के जैसे यानी कि हमारे वड़े बन गए रेडी, लहसुनी ब्रेड वड़ा। हाँ दोस्तों, वीडियो कैसे लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। देख रहे हो एकदम परफेक्ट हमने बना दिया है।
लहसुनी ब्रेड वड़ा, तो क्यों ना बाकी के सारे ब्रेड वड़े हम ऐसे ही बना लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने कढ़े में ऑयल गरम कर लिया है और चेक भी कर लिया, आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट गरम हो चुका है। ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा गरम भी नहीं चाहिए, मीडियम ऑयल चाहिए। अभी यहाँ पर एक एक वड़ा लेना है और इसके अंदर डालते जाना है इसी तरह से, देख रहे हो। तो हाँ दोस्तों, इसी तरह से डालना है और इस रेसिपी का अपने घर पे जरूर बनाना है, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इसी तरह से इसे तुरंत टच करना नहीं है, 2 मिनट के बाद हम इसे टच करेंगे। अभी यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो अभी यहाँ पे टच कर रही हूँ मैं, और इसे बीच बीच में से उलट पुलट करते जाना, यानी सारी जगह से हमारा जो लहसुनी ब्रेड वाला बड़ा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। चमचे के सहायता से करना है दोस्तों। यहाँ पे मेरी थोड़ी छोटी कढ़ी है, आपके पास बड़ी होती बड़ी, नहीं तो फिर छोटी होगी तो दो दो डालते जाना है। तो इसी तरह से बीच बीच में फिर चलाते जाएंगे और इसे फ्राई कर लेते हैं गोल्डन। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे बीच बीच में चलाते ही, और यहाँ पे हमें 5 मिनट लगे दोस्तों, ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए और कलर भी अच्छी तरह से गोल्डन आ गया। मैं आपको लेके बता देती हूँ, और हाँ दोस्तों, ऑयल थोड़ा भी रहेगा नहीं, इस बात की मैं आपको गारंटी दूंगी। देख रहे हो कलर कितना परफेक्ट आ गया है वड़ा का, और इसकी टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। अभी ठंड भी है तो इसी तरह से खाने को बहुत मजा आती है, एकदम ऑयल थोड़ा भी नहीं है, मैं लेके बता रही हूँ आपको। देख रहे हो थोड़ा भी ऑयल नहीं और क्रिस्पी कितना है, तो क्यों ना बाकी के सारे बड़े में ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। देखा ना दोस्तों कैसे बना दिया हमने लहसुनी ब्रेड वड़ा, रिजल्ट आपके सामने। मैं उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा इस रेसिपी। तो आप, मैं लेके बता रही हूँ, ऑयल थोड़ा भी नहीं है हाथों में, देख रहे हो, और क्रिस्पी कितना है, आवाज देख लेना इसका, है ना, सारी जगह से अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, परफेक्ट। अभी तोड़ के भी बता देगी, यानी आपको रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा कैसे बने हमारे लहसुनी ब्रेड वड़ा, आवाज देख लेना है। ओहो वाव, एकदम कटोरी के जैसे इसका जो पड़ है वो निकल गया है, देखते ही मुंह में पानी आ गया है दोस्तों। तो अपने घर पे जरूर बनाना है और कमेंट करके हमें बताना है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे ही प्यार हो सपोर्ट करते रहे दोस्तों। धन्यवाद।